कोविड मुकाबला पाई एसडीआरएफ अधीन विभिन्न राज्य को मिली 11,565 कोटी से ओडिशा भागे पड़ी 802 कोटी टंका। महाराष्ट्र को सर्वाधिक 1,611 कोटी टंका अनुदान मिलता बेले ओडिशा को मिली चतुर्थ सर्वाधिक पांठि। लोकसभा अर्थ राष्ट्रमंत्री अनुराग ठाकुर यह सूचना देते तेरे ओडिशा को मिलता अनुदान ठीक बाटे विनियोग अभियोग कर विरोधी विरोधी दल नेता कहते कोविड मैनेजमेंट रे फेल मारी राज्य सरकार इवेन महाराष्ट्र ठारू कंपैरिजन टू लोकसंख्या हिसाब से जो पैसा दिखाई ताठारू 800 कोटी टंका अधिका देते ओडिशा सरकार ताको ठीक ढंग से मैनेज कर पारे ना। होम आइसोलेशन रे ठीक होना लोक हैरान होती जो मैंने डाक्टरखाना भी जाऊँगी डाक्टरखाना गले किए छूना सामनारे डाक्टरखाना सामनारे लोक फेरुंच अलग जगार बुलूंज जो मैंने नन कोविड लोक भी लोक न डाक्टर न छुईवा कारण मरवर अनेक उदाहरण अच्छे से 3,000 रु से 2,500 खाई जाऊँगी 500 टाँग खर्च हो 2,500 नवीन बाबू ताको कर्मचारी समेत खाई जाऊँगी एत जोर व्यापनता भुवनेश्वर भुवनेश्वर 80% लोक आम हाथ रू टेस्ट कर 80% रोग जदि अच्छी आम कोरोना आम घर ट्रीटमेंट चाहू नवीन पट्टनायक कौन कर सरकार कौन कर चीफ सेक्रेटरी कौन कर किए कर शासक दल कहिबा कथा कोविड परिचालनारे राज्य सरकार खर्च करथवार अर्थ तुलनारे केंद्रीय अनुदान किछि नुहे ओलटा ओडिशा को विभिन्न टिकस बाबदरे मिलिबाकु थिबा प्राप्य एजाए केन्द्रर आसी नथिबार अभियोग करिछि बिजेडी। 800 कोटी टका केते हजार कोटी टका खर्च होलानि से जानिछन्ति जदि जानिबे ताले जानि परिबे जे केते टका ओडिशा सरकार खर्च करछन्ति। महाराष्ट्र को छाड़देले केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रही ओडिशा ठारु अधिक केंद्रीय अनुदान पाई एपरिक कोरोना संक्रमण में ओडिशा ठारु आगे राज्य गुजरात पश्चिमबंग और कर्णाटक तुलन में भी ओडिशा को अधिक केंद्रीय पांठि मिली। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट आदित्य पंडा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।